मित्रों, अभी संसद में दोनों सदनों में गतिरोध चल रहा है और संभवतः सोमवार 13 तारीख को संसद के इस सत्र का अंतिम दिन होगा। एनडीए की ओर से हम इस विषय को संसद सत्र के बाद भी संसद के बाहर विभिन्न प्रकार के विरोध कार्यक्रमों के माध्यम से उठाएंगे। कुछ प्रारंभिक चर्चा आरंभ हुई है, उसका जैसे ही डिटेल कार्यक्रम तय होता है आप लोगों को उसकी जानकारी दे देंगे। पहला कार्यक्रम 13 तारीख को ही होगा, 13 तारीख की दोपहर को, जब संसद इनिशियल सिटिंग के बाद उठेगी तो 11 बजे के तुरंत बाद संसद भवन के प्रांगण में गांधी जी की जहां मूर्ति है वहां एनडीए के सभी सदस्य सामूहिक धरने के ऊपर बैठेंगे और विषय इसका प्रत्यक्ष रूप से जेपीसी के गठन को लेकर है। दूसरा प्रमुख विषय जिस पे आज पार्टी की ओर से हम लोग एक टिप्पणी करना चाहेंगे, कैनकुन में पर्यावरण परिवर्तन को लेकर पिछले कुछ दिनों से मिनिस्टेरियल सम्मेलन चल रहा है, आज शायद उसका अंतिम दिन है। सम्मेलन आरंभ होने से पहले पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने एक टिप्पणी की थी 3 दिसंबर को कि जो भारत अपने साधनों से ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए प्रयास करता है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय इंफॉर्मेशन एनालिसिस और वेरिफिकेशन के लिए हम देंगे। ये पुराने स्टैंड से जो संसद के सामने लिया गया था उससे एक अंतर था और हम लोगों ने इसके ऊपर 3 तारीख को एक डिटेल टिप्पणी भी की थी और एक प्रेस हैंडआउट भी दिया था। कल रात को कैनकुन से जो समाचार आए हैं उसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ, जब हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता और हमारे मंत्री श्री जयराम रमेश ने यह कहा कि किसी स्टेज पर भारत इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स को स्वीकार कर सकता है। हमारे जो साथी हैं इस गठजोड़ में, विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से चाइना, उनकी प्रतिक्रिया दूसरी थी। इस संदर्भ में एक डिटेल्ड प्रेस हैंडआउट आपको अभी हम लोग देंगे। इस संदर्भ में मैं सिर्फ यह कह दूं कि 29 सितंबर 2009 को कोपेनहेगन का स्टैंड जब तय हो रहा था और पूरे देश में एक बहस थी तो श्री जयराम रमेश ने मुझे एक पत्र लिखा था और शायद उसी प्रकार का पत्र कुछ अन्य सांसदों को और नेताओं को भी लिखा था। मैंने उस पत्र की एक पैराग्राफ को कोट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा और मैं पढ़ देता हूं, इंडिया कैन नॉट एंड विल नॉट टेक ऑन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स बिकॉज, फिर 4 कारण बतलाए। फर्स्ट, द यूएनएफसीसी does not require developing countries to take on any emission reduction commitments. 2, the primary responsibility to reduce greenhouse gas emissions as noted in the UNFCCC is of the developed countries given their largest share in the historical and current global emissions.
3, our national greenhouse gases emissions is still very low, especially when considered on a per capita basis, and will naturally grow as we continue to develop. And 4, poverty eradication and social economic development are our first and overriding priorities. स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख के हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि हम कभी भी cannot and will not. He reaffirmed it twice. Accept legally binding emission standards. और उसका कारण उनका स्पष्ट था कि अब हम तो पर्यावरण को प्रदूषित कर नहीं रहे, जो लोग कर रहे हैं उनको इसकी कीमत देनी चाहिए. भारत में तो अभी भी 26-27% से ज्यादा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लोगों को बिजली नहीं है, घर नहीं है, अभी बहुत विकास होना है. वी नीड टू जनरेट जॉब्स. और जब इस दिशा में हम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि एमिशन बढ़ेगा, और इसलिए रिडक्शन के स्टैंडर्ड्स हम अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते बाइंडिंग. हाँ, टेक्नोलॉजी आती है तो वॉलंटरली हम उसको अडॉप्ट करके कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इंटरनेशनली बाइंडिंग स्टैंडर्ड्स नहीं स्वीकार करेंगे, जो कि फिर हमें इंटरनेशनल वेरिफिकेशन के लिए खोल दें. कोपेनहेगन जाने से पूर्व जब राज्यसभा में डिबेट हुई तो इनसे जब पूछा गया कि कौन से ऐसे विषय हैं कि जिन पे आप समझौता नहीं करोगे, व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स इन योर स्टैंड, तो अपने भाषण में जो 7 दिसंबर 2009 को उन्होंने दिया, उन्होंने कहा द फर्स्ट नॉन नेगोशिएबल इज दैट वी विल अंडर नो सर्कमस्टेंसेज एक्सेप्ट लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन कट्स. सो नॉट ओनली ही अशोर्ड अस इन आर इंडिविजुअल कैपेसिटीज एज लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ही अशोर्ड इंडियन पार्लियामेंट. Now the curious fact is that on 8th December 2010, when he started speaking at Cancun, the prepared text of his speech has been put on the net. There is no deviation from this position in the prepared text. और स्वाभाविक है जो prepared text बना वो पूरा सरकारी consultation से, विशेषज्ञों की consultation से बना होगा. लेकिन जब श्री जयराम रमेश उस प्रिपेयर्ड टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, व्हेन ही वाज रीडिंग दिस प्रिपेयर्ड टेक्स्ट, ही डिविएटेड फ्रॉम इट एंड इंट्रोड्यूस्ड अ सेंटेंस इन हिज स्पीच वेर ही सेड ऑल कंट्रीज मस्ट टेक ऑन अ बाइंडिंग कमिटमेंट अंडर एन अप्रोप्रिएट लीगल फॉर्म. ये भूल नहीं थी, दिस वॉज नॉट एन एरर, दिस वॉज अ कॉन्शियस इंट्रोडक्शन इन अ प्रिपेयर्ड टेक्स्ट विच हैड नो रेफरेंस टू दिस. व्हाई हैज दिस पोजिशन चेंज्ड? व्हाई हैज द अश्योरेंस गिवन टू पार्लियामेंट एंड द कंट्री बीन यूनिलैटरली रिवोक्ड बाय द मिनिस्टर? He can claim that he has a mandate of the cabinet. What are the reasons that the cabinet has done so? और जब बाद में उनसे पूछा गया कि आप ने ये पोजीशन क्यों बदली है, तो जो पीटीआई ने रिपोर्ट किया है उनका वक्तव्य वो भी मैं पढ़ देता हूं. ये सारा प्रिपेयर्ड टेक्स्ट में मैंने दिया है. Now please understand this sentence that he says. All I said is that all countries must take binding commitments in appropriate legal form. ये उनका पहला वाक्य है कि मैंने ये कहा कि सभी देश binding commitment legal form में ले. The next sentence he says, it does not mean that India is taking on legally binding commitments at this stage. That is our position. So the first sentence is that all countries must take a legal binding commitment.
The second is, I have not said that India must take any legally binding commitment. Either this minister is being too clever by halves, or he thinks that India is incapable of comprehending the mischief that he is up to. The net effect of this is that the developed world will now pollute, and the developing world will now pay for that pollution. This stand is going to hinder India's growth. It is going to hinder India's fight against poverty. It will hinder our effort towards industrialization. The other impact is that India has been both in the climate change negotiations and the WTO, an emerging leader of the developing world. Cancun has seen our negotiating ability at its worst. We are seeing the breaking up of the developing countries alliance. Brazil and South Africa are speaking some other language. China is still sticking to the conventional position which India always had. In all trade talks and climate talks, India has been a cementing factor. With Cancun this time, we'll probably be responsible for the breakup of that alliance. And if alliances break up, our bargaining capacity breaks up, reduces. Now, why is India crawling in the name of flexibility? The country needs to know the answer, because the BJP does not accept this altered position of this government. And this altered position is completely against our national aspirations. Thank you.